₹3 बिक जाए तो 3 लाख की है। तो इतनी सस्ती बिकेगी तब भी किसानों को लाखों का फायदा होगा, यानी एक व्यापारिक दृष्टिकोण से भी लिया पीर घास बहुत फायदेमंद है लोगों के लिए। हाँ नमस्कार किसान मित्रों, कृषि पिटारा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन आज झांसी जिले में जो नेपियर घास के जन्मदाता कहे जाते हैं वो हमारे साथ हैं, क्योंकि नेपियर घास यहाँ कोई नहीं जानता था। कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अपने खेत में ताइवान की नेपियर घास लगाए हुए हैं, विदेश की किस्म है क्योंकि उन्होंने खेत में बोई हुई है। हमारे साथ वो इस समय हैं, उनसे ही जान लेते हैं कि आखिर कैसे इन्होंने सोचा कि इस क्षेत्र में नेपियर घास को लगाया जाए, उससे कहीं ना कहीं किसानों को लाभ होगा। तो जान लेते हैं उन्हीं से। दादा क्या नाम है? मैं महेंद्र सिंह पटेल, पूर्व फौजी। पूर्व फौजी, हाँ, ग्राम भंडरा, तहसील मोरवानी जी। अच्छा, सबसे पहले आपने जैसा बताया है इस क्षेत्र में नेपियर घास कोई नहीं जानता था। नहीं, कोई नहीं जानता। तो आप कैसे जाने? हमने ये यूट्यूब पर देखा था इसका जी क्वालिटी, क्योंकि जो जानवरों के लिए बहुत लाभदायक है जी। और एक साल इसको लगाने से 7 साल चलती है, 7-8 साल चल जाती है। हाँ, वह 1 एकड़ का प्रोटेक्शन है पूरे साल का, 2000 क्विंटल है इसका। तो इसकी शुरुआत कहाँ से की, बीज कहाँ से लाए? हम लाए थे मेरठ से। मेरठ से कौन सी किस्म है? ये सुपर नेपियर है। सुपर नेपियर का, जैसे बताया गया ताइवान का है, सुपर नेपियर है। और ये जो है इसमें 18% प्रोटीन है, शुगर की मात्रा है। गन्ना बाजरा से क्रॉस वैरायटी है जी। बाजरा और गन्ना से क्रॉस करके इसका बीज तैयार किया है। तो इसको लगाने से क्या फ़ायदा होने वाला है किसानों को? ये है, जिसके पास जानवर है तो उसका दूध की मात्रा बढ़ेगी, और इसका हरी घास का प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा है जी। अन्य घासों की अपेक्षा इसका प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा है जी। कोई भी घास इतना प्रोटेक्शन नहीं देती है। और पहली बात तो एक साल लगाने से 7 साल चलती है, और 2x2 पे लगाना है, मतलब गैप से भी लगती है। और इसकी ऊँचाई है 12 से 14 फुट, इतनी ऊँची हो जाती है। हाँ, अच्छा। और इसको और मुलायम काटना है तो 12 फुट तक, 13, 11 और 12 के बीच में काटवाओ। ज़्यादा बड़ी होती है वो हार्ड हो जाती है, फिर कुटिया करके खिलाना पड़ता है। अच्छा, जैसे अभी ये खड़ी है, इसको जो है अभी आप ऐसी जानवर को डालो ऐसी खाते हैं, कुटिया भी ना करो आप। चाप कटर भी है हमारा, चाप कटर से कुटिया करके खिलाते हैं। तो यानी हमारी भैंस का 20% दूध बढ़ा है इससे, और भूसा की मात्रा कम लगती है जी। और कभी भी चाहे ओले गिर जाए, चाहे ज़्यादा वर्षा हो जाए, इसमें कोई नुकसान नहीं होता है। सबसे बड़ी बात, अभी ओले पड़ गए थे हमारे यहाँ, तो इसका कोई नुकसान नहीं हुआ। थोड़े पत्ते अत्ते डाउन हुए थे, बाकी फिर सही हो गए। अच्छा, व्यापारिक दृष्टि से कोई लाभ है किसान को नेपियर घास लगाने से? अगर आपकी, अगर ये 100 रुपये क्विंटल ही बिक जाए तो भी किसान को लाभ है। किस तरह? ऐसा है कि 2000 क्विंटल निकलना है एक साल में। अच्छा, तो एक एकड़ में एक एकड़ में तो 2 लाख क्विंटल निकलेगी। अगर 3 रुपया बिक जाए तो आपकी जो है 6 लाख की हो गई। 6 लाख। अगर 1 रुपया बिक जाए तो 3 लाख की है। तो इतनी सस्ती बिकेगी तब भी किसानों को लाखों का फायदा होगा। ब्रजेश कथुरी महाराज हैं, 250 गाय रखे हैं, उनको 2.5 महीने से 150 रुपया क्विंटल दे रहे। अच्छा, हाँ, कटवाते हमें, बाकी वो ले जाते हैं यहाँ से। यानी एक व्यापारिक दृष्टिकोण से भी नेपियर घास बहुत फायदेमंद है लोगों के लिए। हाँ, अभी हमारा 3000 पैटी आया 2 एकड़ में, तो कौन सा नुकसान है उसमें? तो इसमें एक यूरिया और एक सुपर वो सार का डालना है खाद, एक कटिंग के बाद 1 एकड़ में 1 बोरी सार यूरिया और 10 किलो सार का। अच्छा, शुरुआत में जैसे आपने बताया कि इस क्षेत्र में आपने ही नेपियर लगाई। हाँ, इसके जन्मदाता के तौर पर आप यहाँ जाने जाते हैं। हाँ, यहाँ झांसी जिला में हम ही लाए थे, और नीला है कोई। अब यहाँ कृषि अनुसंधान केंद्र है अपनी झांसी में जी, वहाँ दूसरी नेपियर है, लेकिन ये वाली नहीं है। तो ये बीज वहाँ पर ले गए हमारे कृषि अनुसंधान वाले आपके आए? हाँ, आए, डॉक्टर साहब आए थे। हाँ, बोले नहीं ये नेपियर बहुत अच्छी है। फिर उन्होंने ब्रजेश पाठक से बात की, करी, बोले आपके पास गायें, आप महाराजी लगाओ, आप ज्वार बोते हो, बाजरा बोते, एक बार काटो ख़त्म हो जाती है वो, ये तो बार बार होती है। साल में 5 कटिंग करो आप छोटी पर जी, छोटी अगर 12 फुट तक की, 10 फुट की काटोगे तो 5 कटिंग होंगी, तो 5 कटिंग हो जाएंगी तो कितनी घास निकलेगी। तो इसको नॉर्मली लगाने का तरीका, विधि क्या है? नॉर्मल लगाने का, जो पक जाती है घास, जो 6 महीने की हो जाएगी, उससे जो है कलम निकलती बनती है इसकी गांठ, जो में जैसे गन्ना लगता ना पका हुआ, ऐसे ही लगता है। और दूसरी लगती है जड़, दूसरी जो महंगी पड़ती है, लेकिन कलम लगाओ, और अभी बरसात के टाइम में बहुत जल्दी लगती है। यानी एक बार लगाओ 7 साल तक हरी घास से फसल चलेगी,
और ना उसमें कोई दवा डालना है, क्यों खरपतवार जो अन्य जो खरपतवार हो रहे हैं ना खेत में वो सब खत्म हो जाते हैं। अच्छा हाँ, जब फिर दो साल तक तो खरपतवार ही नहीं होगा, सिर्फ एक है जब गाजर घास हो गई, ये वाले सब घास खत्म हो जाए, गाजर घास होती है खाली और नहीं होता कोई घास, क्योंकि उसकी गर्मी से छाया से और घास खत्म हो जाती है, वह बीज खत्म हो जाता है। यानी कह सकते हैं नेपियर घास पशुपालकों के लिए लाभदायक है, के लिए बहुत ही लाभदायक है। जिस सरकारी गौशालाएँ खुली ये किस इस प्रधान लोग खिला नहीं रहे ना, उतनी अटर कर रहे, नहीं तो उसको 100 रुपया आप 150 रुपया खर्चा पड़ेगा आपको ले जाने तक, तो 150 रुपया में भूसा मिलता है क्या? वो सड़ा हुआ भूसा खिला दे, गाय मर रही। यानी पशुओं के लिए तो लाभदायक है ही, व्यापारिक दृष्टि से भी बहुत लाभदायक है। तो इनको कटवा के डालना चाहिए, वो प्रधानों को लगाना चाहिए, वो अलग विषय है। अगर फायदे की बात की जाए तो किसानों के लिए व्यापारिक दृष्टि से भी ठीक है। ठीक है, ये लाखों का सौदा है। हाँ, लाखों का सौदा है एक साल में। अभी एक एकड़ में 2000 क्विंटल निकलना है, अगर 1 रुपया भी जाएगी तो 2 लाख की होगी, 2 लाख की कोई सी फसल नहीं निकलेगी बुंदेलखंड में एक एकड़ में, और इसमें एक ही बार तो बीज लगा है हमारा 7 साल तक, और ना कोई बखनी खा चुका है, और 7 साल तक चल रही। बहुत बढ़िया। जैसा कि रिटायर्ड फौजी है और बहुत अच्छी किस्म की इन्होंने अपने घर में खेत में नेपियर घास लगा रखी है, और बता रहे हैं कि व्यापारिक दृष्टि से बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा नेपियर घास के माध्यम से हो रहा है, और अगर किसान इसको लगाता है तो उसे भी निश्चित तौर पर बड़ा लाभ होगा। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए बने रहें कृषि पिटारा के साथ। तो किसान मित्रों, ये था आज का कृषि पिटारा। हमें उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर भी करें। किसान मित्रों, आपका बहुत बहुत